तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। और अभी हमारी प्याज की कटाई का काम शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको प्याज के बारे में A to Z जानकारी शुरुआत से हम देते आए हैं, किस तरीके से इसको लगाना है, नर्सरी कब लगाना है, कब कौन सी खाद डालनी है, कब कौन सा स्प्रे करना है, कब कटाई करना है, सारी जानकारी हम आपको समय समय पर देते हैं। अभी अभी हमारी प्याज की फसल पूरी 112 दिन की हो चुकी है और इसकी कटाई शुरू हो गई है। प्याज में थोड़ा सा जल्दी इस बार कटाई की जा रही है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। अगर इसको ज़्यादा टाइम ज़मीन के अंदर रहने देते हैं तो प्याज में धूप की वजह से जो प्याज है उस पर धब्बे आ जाते हैं, जिससे प्याज में क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो सिंचाई के 8 से 10 दिन के बाद आपको इसकी हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। चलिए मैं आपको अपनी प्याज दिखाता हूँ। और अभी हमने पूरे खेत में करीब 4 से 5 इस तरीके से पूरे प्याज को इकट्ठा कर लिया है कटाई के बाद। और अभी कुछ दिनों के बाद अभी जो आप प्याज की पत्तियाँ देख रहे हैं हरी हरी, इन पत्तियों से अभी इसको ढक दिया जाएगा। ढकने के बाद जो प्याज है इसका कलर और साइन और भी बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो किसान भाई फाइनली प्याज पूरी तरीके से निकल चुकी है। और कुछ किसान भाई प्याज का औसतन एवरेज भी पूछ रहे थे कि प्याज का इस बार एवरेज क्या निकला और अभी रेट क्या चल रहा है। तो रेट का तो आप सब लोगों को पता ही है कि प्याज का जो रेट है वो 6 रुपये से लेकर 8, 10, 11 रुपये किलो तक बिक रही है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि प्याज का रेट क्या चल रहा है, आपके एरिया में क्या है, आप वोट करके ज़रूर बताइए। तो काफ़ी सारे किसान भाइयों ने 8 से लेकर 7 से 8, 9 रुपये किलो तक के बारे में बताया था कि इस रेट में प्याज ज़्यादातर बिक रही है। तो आपको मैं बता दूँ, हमारे खेत में हमने अभी जब प्याज की हार्वेस्टिंग की थी तो कुछ समय के बाद में 2 से 4 दिन के बाद हमने खेत से ही उसको बेच दिया था। तो 40 किलो के कट्टे हमारे यहाँ पर भरे जाते हैं, 40-42 किलो के, 41 किलो के, तो उस तरीके के 40-41 किलो के करीब 310 कट्टे हमने यहाँ खेत से बेच दिए हैं। उसके बाद कुछ प्याज इस तरीके से यहाँ पर रख ली गई है। अभी भी प्याज की कटाई को करीब 15 दिन हो चुके हैं करीबन, और उसके बाद जो प्याज है उसको इस तरीके से खेत में पत्तियाँ ढक कर रख दिया है। अभी भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और काफ़ी अच्छे से प्याज इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्याज है। तो आप प्याज को खेत में ही करीब 15-20 दिन तक, 25 दिन तक, 1 महीने तक भी रख सकते हैं। अगर आपकी प्याज अच्छी है, उसमें सड़न नहीं लगी है और क्वालिटी अच्छी है, प्याज पर पत्ती कवर अच्छा है, तो आप उसको खेत में ही कुछ दिनों तक, करीब महीने भर तक आप उसको रख सकते हैं। बस इस तरीके से आपको ढेर बना लेना है, इकट्ठा कर लेना है और उस पर अच्छे से पत्तियाँ, प्याज की जो पत्ती काटी हुई रहती है उसको डाल देना है और खेत में ही रहने देना है। अगर एक आपको रेट कम लग रहा है और ऐसा लगता है कि 1-8 महीने बाद इसका रेट बढ़ जाएगा, तो आप इस तरीके से खेत में प्याज को रहने दे सकते हैं। अगर आपको अनुभव है कि रेट नहीं बढ़ने वाला है तो आप जैसे ही कटाई करते हैं 2-4 दिन के अंदर उसको खेत से सीधे बेच दीजिए। तो हमने खेत से सीधे प्याज को बेच दी है, करीब 310 कट्टे के लगभग हमने प्याज बेच दी है और करीब इस तरीके से कुछ प्याज अभी हमने यहाँ पर रखी हुई है। तो कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि प्याज का रेट अभी आने वाले महीने में करीब काफ़ी बढ़ने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्याज का रेट अच्छे से बढ़े और जितना भी बढ़ेगा किसानों का ही फायदा है, तो प्याज का रेट बढ़ना चाहिए। इस रेट में जो अभी रेट चल रहा है, इस रेट में प्याज में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो लागत लगाई गई थी वो भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है। एक तो प्याज में इस बार बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहा, प्याज की क्वालिटी भी नहीं बन पाई, उसी के साथ साथ प्याज स्टोरेज करने के लायक नहीं रही। कुछ किसान भाइयों ने मजबूरी में प्याज बेची जो स्टोरेज करना चाहते थे, लेकिन फिर भी स्टोरेज नहीं कर पाए क्योंकि उनकी प्याज की क्वालिटी ठीक नहीं बनी, प्याज छोटी बड़ी रह गई, सफ़ेद हो रह गई या फिर सड़न लग गई। तो इस बार थिप्स का प्रकोप ज़्यादा था, बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा था, इस तरीके इसलिए प्याज में समस्या ज़्यादा ही, क्वालिटी नहीं बनी। प्याज का जो औसतन एवरेज बनना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी कम बना, तो कहीं ना कहीं प्याज की क्वालिटी नहीं बन पाई, इसलिए कुछ किसान भाइयों ने, काफ़ी सारे किसान भाइयों ने मजबूरी में प्याज को बेचा है और वो स्टोरेज करना चाहते थे, फिर भी उनको प्याज को बेचना पड़ा। तो अभी मार्केट में प्याज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि क्वालिटी ख़राब है, हर किसान में बेचने की सोच रहा है, इस वजह से रेट काफ़ी कम है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इसके रेट काफ़ी बढ़े और ये जो प्याज हमने यहाँ पर रखी हुई है इसका रेट हमें अच्छा मिले। तो जब हमने प्याज की कटाई करवाई थी तो कटाई के 4 से 5 दिन के बाद तुरंत हमने प्याज को खेत से ही बेच दिया था और व्यापारी को प्याज दिखाकर, सैंपल दिखाकर उसको कट्टों में डाल के उसको बेच दिया गया है। व्यापारी की गाड़ी आई, उसको ले गई और पेमेंट हमें 8 से 10 दिन के बाद मिल गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर व्यापार चलता है प्याज का। और खेत से हमने 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेची थी और अभी कुछ प्याज बचा के रखी है। तो इस साल प्याज में कुछ भी नहीं मिला है और थोड़ा बहुत मिला है मेहनत मजदूरी और
जो भी मिला है दवाई खाद वालों के देने के बाद में कुछ उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। इससे अच्छा तो गेहूं की फसल लगा सकते थे, जिससे कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जा रहा है, क्योंकि गेहूं का रेट इस बार ज़्यादा है। तो होता रहता है, खेती है, कभी कम रेट मिलता है, कभी ज़्यादा रेट मिलता है, तो खेती करना तो छोड़ नहीं सकते। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में प्याज का रेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। जो किसान भाई स्टोरेज करना चाहते हैं स्टोरेज कर सकते हैं, तो फ्यूचर में आगे आने वाले समय में रेट बढ़ सकते हैं और अच्छा मुनाफा उनको मिल सकता है। तो यह थी प्याज की पूरी कहानी। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये प्याज हार्वेस्टिंग की वीडियो काफ़ी लेट हो गई, काफ़ी सारे दिनों से खेत में काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं हमारे रेगुलरली। और देखते हैं आगे आने वाले समय में कब कब वीडियो आते हैं, तो वीडियो चाहते हुए भी थोड़ा लेट हो जाते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आगे भी प्याज की खेती से जुड़ी लगभग सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जिस तरीके से आगे से सपोर्ट करते आए हैं, प्यार करते आए हैं, वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य किसान भाइयों से शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।